सैमी। हेलो सर। बैठो बैठ। तो तुमने फैसला कर लिया, दैट्स गुड। अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। देखो सैमी, हम तो चाहते हैं कि सारे स्टूडेंट्स अच्छे मार्क्स से पास हों, सबका अच्छा करियर हो, अच्छा भविष्य हो। अब तुम तो जानती हो आजकल कितनी सारी कोचिंग क्लासेस शुरू हो गई हैं। दे ऑल आर डूइंग वेरी वेल। अब मैंने तो फी भी बहुत ज़्यादा नहीं रखी है, मुझे पैसे का बिल्कुल लालच नहीं। मैं गॉड फियरिंग मैन। फी लाइयो, वो क्या है कि कल से क्लासेस शुरू होने वाली है, सुबह 7 से 8 का टाइम है, और जस्ट कॉलेज के पहले। एड्रेस तो तुम्हारे पास है ही। सर, वो मैं ट्यूशन क्लासेस ज्वाइन नहीं कर रही हूँ। क्या? हाँ सर, मैं ट्यूशन क्लासेस ज्वाइन नहीं कर रही हूँ। कल का टेस्ट देने के बाद भी? देखो, मैंने तुम्हारे पेपर्स चेक किए, यू गॉट 3 marks out of 25, और फर्स्ट टर्म का एग्जाम भी पास ही है। अगर तुम उसमें फेल हो गई तो। नो सर, वो मोना मुझे सिखा देगी, शी इज द टॉपर इन क्लास नो, और वो ट्यूशन भी नहीं लेती है, और उसने कहा मुझे ट्यूशन की जरूरत भी नहीं है। ओ मोना। यस सर। हाँ हाँ हाँ, मैं जानता हूँ उसे, बहुत अच्छी लड़की है, इंटेलिजेंट है, तुम्हारी फ्रेंड है। अच्छा अच्छा, वो तुम्हें मैथ सिखाएगी, राइट? और तुम्हें सब कुछ आ जाएगा। दैट्स रियली वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। हा? देखो सैमी, अगर फी की कोई प्रॉब्लम है तो मुझे साफ साफ बता दो, क्योंकि मेरी कोचिंग क्लासेस इस कॉलेज की तरह बेरहम बिल्कुल नहीं है कि एक साथ फी भरना पड़े। तुम इंस्टॉलमेंट में भी फी भर सकती हो। सर, इंस्टॉलमेंट्स? हाँ, क्योंकि हम तो बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं, हमें पता है पेरेंट्स को कभी कभी प्रॉब्लम होती है एक साथ फी भरने में, यू नो। तो तुम इंस्टॉलमेंट में फी भर सकती हो। हाँ, अब देखो, अगले हफ्ते टेस्ट है, और उसके बाद फर्स्ट टर्म एग्जाम्स भी आने वाले हैं। यस। जल्दी सोचकर बताना, ओके? ओके सर।